वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप. एक सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है. ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर. इन टू अ सिलेंड्रिकल टैंक, जो पानी फ्लो होके जा रहा है वो किस में जा रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में. ठीक है. ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस कितनी है, 40 सेंटीमीटर. एट द रेट ऑफ इतने मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो है वो कितना, 0.4 मीटर पर सेकेंड. डिटरमाइन द राइज इन लेवल, ठीक है, ऑफ द वाटर इन द टैंक. ठीक है, राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इन 30 मिनट्स. ठीक है, ये हमें बताना है. ठीक है, देखो ये जो रेट ऑफ फ्लो दिया है ना, इसे 1 सेकेंड के लिए क्या मान लो, इसकी हाइट मान लो, है ना, फॉर 1 सेकेंड. जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 0.4 मीटर. अब ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है. तो क्या करूँ, इसे भी किस में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में. अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है. तो ये क्या हो गया, 0.4 × 100, सो दैट इज 40 सेंटीमीटर, है ना. अब क्या करो, इसमें निकालो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड. वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है. 1 सेकेंड में कितना पानी फ्लो होगा, भाई हाइट ये है, आ रही है, तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है. अब 1 सेकेंड के लिए इतना, तो एक 60 सेकेंड्स के लिए कितना होगा, 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट, तो 60 सेकेंड्स के लिए कर लो. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 60 सेकेंड्स, ठीक है. 1 सेकेंड के लिए ये, 60 सेकेंड के लिए 60 से मल्टीप्लाई करा दो, 60 πr² h, ये आया 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट, ठीक है. तो 1 मिनट के लिए इतना, तो 30 मिनट्स के लिए कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स, तो कितना, 6 × 3 = 18, 18 और ये 00, है ना, पाई आर स्क्वायर एच. तो 30 मिनट्स के लिए, अभी 30 मिनट्स में जो पानी फ्लो होगा ये किस में आएगा, इसी में तो आएगा. तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक. वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक, ठीक है. अब 30 मिनट में जो पानी फ्लो हुआ है कितना हुआ है, ये 1800 πr² h. और पानी टैंक में कितना होगा, मान लो जो लेवल राइज हुआ है वो कितना हुआ है, हमने मान लिया कि जो लेवल राइज हुआ है वो कितना हुआ है, कैपिटल एच, ठीक है. तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है. इसको धर लिया 1800, आर कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, और एच कितना है, ये एच कितना है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन कितना, एच तो ये है हमारा, इनटू कितना, 40. और इसको यहाँ ले आओ,
और ये क्या एच, कैपिटल आर कितना है 40, तो 40 इंटू कितना 40, इससे ये कैंसिल, ठीक है। और अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 4 जा कितना 16, कितना बचा 2, और 4 5 जा कितना 20, तो जो h आ गया वो कितना आया 45 सेंटीमीटर, ठीक है, बस यही होगा।